बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर में सीएम नीतीश के साथ राजद कोटे के मंत्री इजराइल मंसूरी गए, जबकि इस मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है। हमारे साथ बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे हैं। विष्णुपद मंदिर जो है वहां पे चले गए इजराइल मंसूरी नीतीश के साथ, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर यहाँ पे रोक है, इसके बाद भी गए। देखिए, अकेले गए होते तो बात होती, एक जिम्मेवार व्यक्ति है जो बिहार का चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ मंदिर में जाना जहां ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यहां गैर हिंदू नहीं आ सकता है, उसके बावजूद भी मंदिर में जाना पूजा करना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो सनातन धर्म है उसकी उपेक्षा करते हैं नीतीश कुमार जी, उसमें भरोसा नहीं करते हैं। हर हाल में उस मंत्री को, नीतीश कुमार को बर्खास्त करना चाहिए और आइंदा ऐसा गलती नहीं करे इसकी चेतावनी देनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के विश्वास पर आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह मंत्री की वहां एंट्री हुई मंदिर में, ये हिंदू भावनाओं को इससे ठेस पहुंचा है? 100% ठेस पहुंचा है, सनातन धर्म को ठेस पहुंचा है, हिंदुत्व को ठेस पहुंचा है, ये कहीं से उचित नहीं है। क्या लगता है कि नीतीश जी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था? 100% रखना चाहिए, एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, गैर जिम्मेवार तो है नहीं, नीतीश जी एक बिहार के चीफ मिनिस्टर है इस समय, राजद की सरकार, डायरेक्टर तो कहिए कि अब तो वहां पहले था कि एनडीए की सरकार, अब महागठबंधन में तो राजद का बोलबाला है, कैसे रोकते उस मंत्री को, नहीं ना रोक पाते, इनका सुनता कौन है उस सरकार में कोई मंत्री, उसमें भी राजद कोटा के थे, इनका तो सुनता ही नहीं, इनके पास नैतिकता ही नहीं है, नीति भी नहीं है। क्या लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क पे भी उतरेगी अगर मंत्री माफी नहीं मांगते हैं? क्यों नहीं मांगते हैं तो क्योंकि मंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए कुछ बोल नहीं रहे, क्या आपको लगता है कि मंत्री को सफाई देनी चाहिए? 100% सफाई देना चाहिए, आम जनता के सामने आके, मीडिया के सामने आके माफी मांग लेना चाहिए। अगर ऐसा भावना को ठेस पहुंचाते रहे लोग तो निश्चित रूप से हिंदू इस पे रोड पे आना ही चाहिए। क्या कहने की दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग बहुत सेक्युलर हैं तो मस्जिद भी जाना चाहिए? हर 100% अगर सेक्युलर बनना चाहते हैं लोग तो मक्का मदीना भी जाके, बहुत जो हिंदू उसमें मंत्री हैं, जाके नमाज पढ़े लोग, वहां रहे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ निश्चित जाना चाहिए। देखिए, साफ तौर से मांग कर रहे हैं बीजेपी कोटे, ये बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि मंत्री को आके सफाई देनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा है, सो नीतीश को ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए, और ज्यादा ये दिखा रहे हैं कि हम लोग सेकुलर हैं तो लोगों को मक्का मदीना भी जाना चाहिए, कह रहे हैं सतीश चंद्र दुबे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।